हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल दी स्टडीज़। फ्रेंड, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड, यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है, जो कि कोई भी एग्जामिनेशन जाए हैं, चाहे वो CCC हो, ओ लेवल हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर, या कोई भी जिसमें कंप्यूटर आता हो, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। फ्रेंड, इसमें जो टोटल क्वेश्चन है 20 है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पहला है, वह कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है। फ्रेंड, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा मॉडेम होगा। मॉडेम जो होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म होता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। फ्रेंड, यहाँ पे मॉडेम जो होता है वो क्या करता है कि इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करता है, और यह कंप्यूटर में चल रहे ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक स्थापित करता है। फ्रेंड, यहाँ पे जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि क्या करता है कि इंटरनेट इसी के माध्यम से प्रोवाइड होता है, ISP इसे बोलते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट डिवाइस में रूपांतरण क्या कहलाता है, यानी किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा CPU द्वारा इनपुट डिवाइस को आउटपुट डिवाइस में बदलते हैं। फ्रेंड, हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई, मान लीजिए हमारा इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे CPU होता है और यहाँ पे आउटपुट होता है, और इसके नीचे हमारा मेमोरी लगा होता है। तो यहाँ पे मेमोरी होता है और ये CPU होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं प्रोसेस करके और इसे आउटपुट के रूप में देता है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन होता है मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या था फ्रेंड, यहाँ पर CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट डिवाइस में रूपांतरण किया जाता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़कर हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा PDA। PDA जो होता है फ्रेंड, वो उसको हम इजीली अपने हाथ जो होता है उस पर रखकर यूज करते हैं। और यहाँ पे जो इसमें जो होता है कि इनपुट हम कीबोर्ड के माध्यम से नहीं देते हैं, इनपुट इसमें ध्वनि के रूप में यानी वॉइस के रूप में हम देते हैं, इसे फ्रेंड हम PDA कहते हैं। इसका आंसर होगा PDA, जिसे पॉम टॉप भी कह सकते हैं। तो यह इतना छोटा होता है कि इसे हम अपने हाथ पे इजीली रखकर यूज कर सकते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। फ्रेंड, यहाँ पे JS केल्विन ने क्या किया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था, IC। तो फ्रेंड, मैंने पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो में। फ्रेंड, अगर आपने मेरा पहला इसे जो प्रीवियस दो वीडियो इसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो IC है ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था, और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वाल्व यूज़ किया गया था, और सेकेंड में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, थर्ड में IC और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, उसमें किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो किस पद्धति का सॉरी पद्धति का यूज़ किया जाता है, तो ये होता है बाइनरी यानी द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी लैंग्वेज का। फ्रेंड, यहाँ पे जो 0-1 के फॉर्म में हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, बाइनरी पद्धति पे वर्क करता है, यानी द्विआधारी अंक पद्धति पे वर्क करता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। फ्रेंड, सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा होता है, प्रोसेस डेटा होता है, वो हमें इस पर दिखाई देता है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर ही है, जैसे हम कोई भी कंप्यूटर में अपना डेटा डालते हैं और उस पर हम क्या करते हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रिंटर में दे देता है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग हार्ड कॉपी में निकाल करके अपने पास रख लेते हैं। तो कंप्यूटर का क्या काम है कि आउटपुट डेटा को हमें देता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई भी काम करना हो तो कंप्यूटर की वन की सिर्फ फंक्शन ही काम कर सकते हैं, नहीं तो अदर का वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंट्रोल या शिफ्ट के साथ कीज़ को यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमारा जो कंट्रोल की, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल की के साथ किसी अदर की को प्रेस करते हैं तभी हमारा क्या होता है वर्क होता है। मान लीजिए हमें कट करना है तो Ctrl+C करते हैं, पेस्ट करना है तो Ctrl+V करते हैं, Ctrl+S करके सेव करते हैं, ऐसे करके क्या करते हैं कंट्रोल का यूज करते हैं, कंट्रोल की का। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने पर क्या दिखाई देता है? फ्रेंड हम जानते हैं कि माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और उसमें क्या करता है कि उसमें दो बटन होते हैं, तो हम क्या करते हैं जब भी राइट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक विशेष मेनू खुलता है और लेफ्ट से सिलेक्ट होता है। तो एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्रैक बॉल क्या होता है? तो फ्रेंड ट्रैक बॉल सब लोग ना किस बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। तो ट्रैक बॉल क्या होता है कि माउस के जैसा ही होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, ये भी किसी चीज़ को चयन करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, सिलेक्शन के लिए ही इसका भी यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बॉल लगा होता है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन किया जाता है कि हमें किस दिशा में इसको ले जाना है, आई मीन कहाँ पे क्लिक करना है कहाँ पे नहीं करना है। तो मुख्यतः इसका उपयोग हम क्या करते हैं कैड में या कैम में करते हैं, यूज किया जाता है। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, जहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं 3D आजकल डिज़ाइन चल रहा है तो उसमें इसका यूज होता है, कभी कभी चिकित्सा में भी इसका यूज होता है। तो ट्रैक बॉल तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह जॉयस्टिक भी होता है जो क्या होता है ये मतलब इसका यूज हम खेल में करते हैं, गेम खेलने के लिए करते हैं जॉयस्टिक का यूज़। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो फ्रेंड इससे पहले मैंने कि पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि जो मदरबोर्ड होता है उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे वायर ऐसे लगे होते हैं, तो वो क्या होता है वो वही वायर बसेस कहलाती हैं जो क्या करती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को क्या करती हैं ट्रांसफ़र करती है, यानी इन्फॉर्मेशन को स्थापित करती है, कम्युनिकेशन स्थापित करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम बसेस कहते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा टिपिकल हिंदी है, अनवरत मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो कंप्यूटर काम कर रहा है और अचानक की लाइट चली जाती है तो कुछ देर तक क्या करता है वो रुका रहता है, वहाँ पे जो काम होती है रुका रहता है, तो वो किसके माध्यम से होता है UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, लाइन कटने के बाद भी इसका यूज हम करते हैं लाइट लेने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे UPS का क्या फुल फॉर्म होता है आप लोग समझ ही गए होंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये क्या होता है कि कंप्यूटर अचानक लाइट कट भी जाएगी तो क्या होता है कुछ टाइम तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड क्या है? फ्रेंड मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो अगर वो ना हो तो वर्क ही नहीं करेगा। तो सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप्स होते हैं वही क्या होता है मदरबोर्ड होता है। फ्रेंड ये एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें क्या होते हैं कई सारे स्लॉट्स बने होते हैं और उसमें CPU भी मदरबोर्ड में ही होता है और जो चिप होते हैं मेमोरी वगैरह होते हैं उसी में लगे होते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? फ्रेंड कट एंड पेस्ट। तो आप लोग को मैंने अभी बताया कि जो कंट्रोल होता है कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो क्या होता है कोई भी जो अक्षर लिखा रहता है वो क्या होता है वहाँ से मिट जाता है, और किसी दूसरे जगह पे जब कंट्रोल प्लस वी करते हैं तो वहाँ पे पेस्ट हो जाता है, यानी वहाँ पे ला करके हम रख देते हैं। तो यहाँ पे जब कट कर फ्रेंड यहाँ पे कट और कॉपी पे आपको डिफरेंस बताएंगे, कट मतलब जब भी कट करते हैं तो वो उस जगह पे नहीं रहेगा और जहाँ पे उसे हम पेस्ट करेंगे यानी जहाँ पे रखेंगे सिर्फ वहीं रहेगा, और कॉपी में क्या होता है कि जब उसे हम कॉपी करेंगे तो दोनों जगह पे रहेगा, वहाँ भी रहेगा और जहाँ पे उसको रखेंगे वहाँ भी रहेगा। तो कट और कॉपी में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड यहाँ भी CPU ही होगा कि CPU जो होता है कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है जो क्या करता है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। जब भी हम इनपुट यानी जो किसी हमारा कीबोर्ड है इसके माध्यम से जब भी डेटा लेते हैं तो क्या होता है CPU में जा करके उसका प्रोसेसिंग होता है, और उसके बाद से जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद जो प्रोसेस डेटा होता है वो आउटपुट के माध्यम से दे दिया जाता है। तो एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ENIAC किसने बनाया था? तो फ्रेंड यहाँ पे जो ENIAC है उसे प्रेस्पर एनकर्ट एंड जॉन मार्शली ने बनाया था। फ्रेंड ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में प्रयोग होने वाले फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड यहाँ पे टोटल कीज जो होते हैं फंक्शन कीज 12 होते हैं। तो यहाँ पे हर एक किस की अपना एक अलग काम होता है जो स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे F1 F2 F3 F4 ऐसे करके F12 तक इसका कीज होता है। तो कीबोर्ड में टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पे बार कोड होता है। इसका आंसर क्या होगा बार कोड। तो बार कोड में क्या होता है
किसे हम पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा रिकॉर्डिंग भी कहते हैं क्योंकि जो बैंकिंग वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे 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 लाइन, कोई भी चेक अगर हम लेते हैं तो उस पर क्या होता है, ऐसे ऐसे बार लगा रहता है, इसे क्या बोलते हैं, हम बार कोड बोलते हैं। अगर कोई मटेरियल मार्केट से लेते हैं कोई प्रोडक्ट, तो उस पर भी क्या होता है, एक साइड में जहाँ ISI लिखा रहता है उसके आसपास में क्या लगता है, ऐसे लाइन लाइन लगी रहती है, तो क्या होता है, बार कोड होता है। बार कोड में क्या होता है कि जो ये अलग अलग जो एक एक लाइन देख रहे हैं, इसकी सिर्फ एक अलग ही ये क्या करता है, इनक्रिप्टेड डेटा रखता है। इसका एक यूनिक मतलब वैल्यू होता है, मीन जो भी डेटा रखता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसे क्या कहेंगे, बार कोड। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने अब इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता ही दिया था कि OCR, OMR और MICR। तो ये OCR क्या होता है, कैरेक्टर रीडर होता है, और OMR का तो मैग्नेटिक रीडर होता है, अरे ये बैंक में MICR यूज होता है। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्सल निम्न में से कौन डाल सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या आंसर होगा, स्कैनर। फ्रेंड हम क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई डेटा होता है, जैसे कोई फोटो है, तो हम इसे चाहते हैं अपने मोबाइल में तो इजिली आ सकता है, लेकिन अगर कंप्यूटर में डालना चाहते हैं कि ये मेरा कोई फोटो है, उसे हम क्या करें, अपने या डॉक्यूमेंट है उसे अपने लैपटॉप में ले लेते, तो उसके लिए किसका यूज होता है, स्कैनर का यूज होता है। तो स्कैनर भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस ही होता है जो क्या करता है कि ग्राफिकल इमेज या पिक्सल को लैपटॉप या कंप्यूटर में डाल सकता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, रिबूटिंग होगा। रिबूटिंग मतलब अगर कभी कभी हमारा कंप्यूटर क्या होता है कि उसको हम ऑटोमेटिक रिबूट करने लगता है, तो इसका मतलब क्या हो कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुके हैं जो क्या कर रहे हैं, सेल्फ रिबूटिंग कर रहे हैं। तो रिबूटिंग का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना ही क्या कहलाता है, रिबूट कहलाता है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिक हैंग कर जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वायरस आ गए रहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो मैंने अभी तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे मैं पहले बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो कि मैंने पिछले दो वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और फ्रेंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकिल बिन डिस्कार्डेड आइटम को कब तक स्टोर करता है। फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप कहीं भी हो, ऐसे क्या बनता है कि एक रिसाइकिल बिन रहता है, ब्लू कलर का रहता है। इसमें क्या होता है, आइटम्स ऐसे ऐसे अगर डेटा कम हम लोग डिलीट किए तो यहाँ तक भरा रहता है, अगर फुल पूरा ज़्यादा भरा रहता है तो पूरा फुल दिखाता है। तो फ्रेंड ये जो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिसाइकिल बिन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिसाइकिल बिन। तो रिसाइकिल बिन में जब तक डेटा रह सकता है जब तक हम उसे खाली ना करें, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, जब तक इसे हम खाली ना कर सकें। फ्रेंड यहाँ पे टोटल जितने भी क्वेश्चंस थे काफ़ी अच्छे थे। एंड फ्रेंड हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। एंड इसी के साथ थैंक यू।